नेक्स्ट आर्टिकल इज सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का मतलब क्या होता है? सुपरलेटिव मतलब ऊंचा, उत्कृष्ट, कुछ डिफरेंट। ओके, वर्ल्ड में कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जिसके जैसी और कोई प्लेस नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? सुपरलेटिव। सो देखते हैं, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यहाँ पर आपको फोटोज़ बताई है, पिक्चर्स, और इस ये प्लेसेस है और बोलना है कि वो प्लेस का क्या नेम है। ओके, हेल्प बॉक्स में से देखकर। सो लुक एट द फर्स्ट पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर में आप यहाँ पर देख सकते हो स्मॉलेस्ट ओशियन। क्या लिखा है? स्मॉलेस्ट ओशियन है। ये एक ओशियन है जहाँ पोलार बियर भी रहता है और वहाँ पर आइस है। उस ओशन में क्या है? आइस है, बर्फ होती है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा वाला ओशन है। तो नेम देखेंगे इसका कौन सा है? आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन। ये दुनिया का सबसे छोटा ओशन है, आर्कटिक ओशन। तो लिख लेंगे हम यहाँ ARCTIC, आर्कटिक ओशन, OCEAN, आर्कटिक ओशन। नेक्स्ट, सेकेंड पिक्चर में जो आपको दिखाई है लार्जेस्ट कंट्री, ये जो है ये लार्जेस्ट कंट्री है। तो नेम देखेंगे कौन सी है? रशिया। रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री, वो सबसे बड़ा क्या है? देश है। तो लिख लेंगे रशिया, RUSSIA, रशिया। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट रिवर। अभी ये एक रिवर है और सबसे बड़ी रिवर है। सो देखेंगे नाइल रिवर। नाइल रिवर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। लिख लेंगे यहाँ पर नेम हम NILE, नाइल, RIVER, रिवर। नेक्स्ट, फोर्थ पिक्चर, स्मॉलेस्ट कंट्री। ये एक कंट्री है लेकिन बहुत छोटी कंट्री है। तो देखेंगे नेम, इसका नेम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी क्यों बोलते हैं उसे? क्योंकि सिटी का नेम दिया गया, उसको सिटी बोला गया। वो कंट्री तो है लेकिन बहुत छोटी है, स्मॉलेस्ट है, इसलिए वेटिकन सिटी, VATICAN, वेटिकन, SCITY, सिटी, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट, लार्जेस्ट ओशन। अभी ये जो ओशन हमने ऊपर देखा था वो सबसे स्मॉलेस्ट ओशन था, अभी यहाँ पर लार्जेस्ट ओशन बोला है, सबसे बड़ा ओशन। तो देखेंगे सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, पैसिफिक, PACIFIC, पैसिफिक, OCEAN, ओशन। ओके, नेक्स्ट, सिक्स नंबर में लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। ये जो एरिया दिखाया गया है सी, यहाँ पर पूरी रेत है, सॉइल ही है, और ये बहुत हॉट होती है, बहुत गर्म होती है, और सबसे बड़ा डेजर्ट एरिया है ये। तो देखते हैं कौन सा एरिया है वो, सहारा डेजर्ट बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? सहारा डेजर्ट। तो लिख लेंगे यहाँ पर SAHARA, सहारा, DESERT, डेजर्ट। नेक्स्ट, हाईएस्ट माउंटेन पीक। ये एक माउंटेन है जो बहुत हाईएस्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो देखते हैं कौन सा है वो,
माउंट एवरेस्ट जो माउंटेन है वो सबसे बड़ा माउंटेन है। पीक मीन्स उसकी जो चोटी है, लास्ट जहाँ पर पहुँचते हैं उसको पीक बोलते हैं। माउंट MOUNT माउंट EVERESTE माउंट एवरेस्ट। एट पिक्चर में लार्जेस्ट आइलैंड, ये क्या है, एक आइलैंड है जो सबसे बड़ा आइलैंड है। सो देखेंगे उसका क्या नेम है। लास्ट जो रह गया है ग्रीन लैंड, क्या नेम है उसका, ग्रीन लैंड, GREENLAND, ग्रीन लैंड। डिड यू नो माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स हाई। कितना हाई है वो, 8848 मीटर्स हाई है। एंड आर्कटिक इज़ द ओनली प्लेस ऑन द अर्थ वेयर पोलार बियर्स लाइव। और पोलार बियर कहाँ रहते हैं, आर्कटिक रीजन में रहते हैं, और अर्थ पर वही एक ऐसी जगह है जहाँ पोलार बियर रहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये आर्टिकल 17 सुपरलेटिव फिनिश होता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, कंट्रीज कैपिटल। कंट्रीज आपको पता है क्या, जितने भी कंट्रीज हैं, देश होते हैं, उनका कैपिटल होता है, एक मेन सिटी होती है बड़ी, उसे कैपिटल बोलते हैं। देखते हैं, एवरी कंट्री हैज़ अ कैपिटल सिटी। हर कंट्री को कैपिटल सिटी होती है। ऑल द इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेज आर लोकेटेड हेयर। और जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं वो उस कंट्री के कैपिटल में ही रहते हैं। ओके, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर कैपिटल नेम। अभी यहाँ पे आपको कंट्री के साथ पिक्चर भी दिखाए हैं, उसके कैपिटल के नेम हमें लिखना है। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स गिवन, हेल्प बॉक्स में से देखकर। सो लेट्स सी, इन फर्स्ट पिक्चर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है, तो देखते हैं। अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल। काबुल जो है वो अफगानिस्तान का कैपिटल है। KABUL काबुल। नेक्स्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है कंट्री, उसका कैपिटल क्या है, तो उसका कैपिटल है ढाका। ढाका जो है उसका कैपिटल है ढाका या ढाका। ओके, सो DHAKA ए ढाका। नेक्स्ट जर्मनी। जर्मनी का कैपिटल क्या है देखेंगे, जर्मनी का है बेर्लिन। बेर्लिन जो है वो कैपिटल किसका है, जर्मनी का। लिख लेंगे हम यहाँ BERLIN बेर्लिन। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस का क्या कैपिटल है, पेरिस। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, PARIS पेरिस। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है देखेंगे, सी है बर्न। बर्न जो सिटी है वो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, BERN बर्न। नेक्स्ट इटैली। इटैली के कैपिटल क्या है हम देखेंगे। इटाली जो कंट्री है रोम इज द कैपिटल ऑफ
इटली। सेवेंथ नंबर का यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम का हम कैपिटल देखेंगे, इसका कैपिटल है लंदन, सो लिख लेंगे LONDON, लंदन। नेक्स्ट इंडिया, इंडिया का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल है। और आप देखोगे न्यू दिल्ली में जितने भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं वो न्यू दिल्ली में है, NEWDELHI, दिल्ली। ओके, इवन के प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस भी दिल्ली में होता है। नेक्स्ट इराक, इराक का जो लास्ट बच गया है बगदाद, बगदाद कैपिटल है BAGH BAD, बगदाद। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये जो आर्टिकल है कंट्रीज कैपिटल ये फिनिश होता है। नेक्स्ट देखते हैं हेल्दी ईटिंग, ये कोई आर्टिकल नहीं है, ये आपके लिए दिया गया है। हेल्दी ईटिंग, हेल्दी हेल्दी चीज़ें खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, वेजिटेबल्स खाना चाहिए। प्ले दिस बोर्ड गेम, ये एक गेम है विद अ फ्रेंड, ये आपके फ्रेंड के साथ आपको खेलना है। बिगिन फ्रॉम स्टार्ट एंड सी हु रीचेज द एंड फर्स्ट, यूज़ अ डाइस एंड ए मार्कर टू मूव फॉरवर्ड। ओके, करना क्या है, डाइस जो होता है हमारा गुड़गुड़ी, उस वो लेकर खेलना है, जितने भी नंबर आएंगे तो उस हिसाब से आपको इस आगे आगे ऐसा जाना है और कौन पहले एंड तक पहुंचता है वो देखना है। ओके, तो इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर नंबर 4 था वर्ल्ड अराउंड अस, द वर्ल्ड अराउंड अस, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।